आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नथिंग फोन 2 ए के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये स्मार्टफोन कैसा रहने वाला है, कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस रेंज रहने वाली है, क्या तुम्हें इसके लिए वेट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। वीडियो के अंदर इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। अभी देखो, ये जो नथिंग फोन 2 है ना, इसके मैं तुम्हें लॉन्च डेट बता देता हूँ। पहले ही ये लॉन्च होने वाला है 5 मार्च 2024 को, यानी कि आने वाले 5 मार्च को ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। काफी तगड़े फीचर्स कंपनी ने इसके अंदर दे रखे हैं, लेकिन कंपनी को ने भी जो ऑफिशियली तौर पे जो अनाउंस करा कि हम इसे एक मिड रेंज मार्केट में एंट्री करवाएंगे, तो इसलिए जो ये स्मार्टफोन है ना, ये ब्रांड के एक बड़े लेवल पर स्मार्टफोन मार्केट में शामिल होना चाहता है, उसके लिए स्मार्टफोन, ये वाला स्मार्टफोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखो, एक नए मिड रेंज स्मार्टफोन का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो यूजर्स प्रीमियम लाइनअप में है वो ज्यादा पैसे दिए बिना ही किसी बड़े ब्रांड का स्मार्टफोन जो है वो यूज कर सके बिना किसी ज्यादा पैसे दिए। यही मतलब होता है मिड रेंज स्मार्टफोन्स का। लेकिन नथिंग को इंडियन मार्केट कैप्चर करने के लिए ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन यूजर्स पैसा खर्च करने के लिए तो तैयार है, बट वहां पर एक कंडीशन उन्होंने रखी है। कंडीशन क्या है कि उन्हें वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो नथिंग को इंडिया से अपना कारोबार समेटना पड़ सकता है। क्यों? देखो, अगर इंडिया में ना कोई भी ब्रांड हो, अगर वो नहीं देगा भाई, अगर वो अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं देगा हमारे यूजर्स को, तो भाई उसका तो भाई तुम्हें पता ही क्या होगा। ठीक है, अभी देखो, हाल ही में इसी स्मार्टफोन है, ये अमेरिका में डायरेक्ट सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। एक तो अभी इंडिया में लॉन्च होगा और बाकी जगहों पर लॉन्च होगा 5 मार्च को। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक वैसे जैसे नथिंग फोन 1 के साथ हुआ था। लेकिन हाँ, 1 जो था वो बीटा प्रोग्राम के लिए वहां पर अवेलेबल था, लेकिन अभी ये बात तो नहीं होगा। अगर जितने भी इसके होलसेल रिटेलर अमेरिका के है ना, वो इसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन डेवलपर्स के पास जो ये फोन गया हुआ है वहां पर भी, बाकी ग्लिफ डेवलपर किट पर भी काम करने वाले हैं। अभी देखो, 5 मार्च को लॉन्च होने वाला है, इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है वो सब बताने वाला हूँ। तो भाई प्राइसिंग मैं बताऊं, उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ कि तुम्हारे हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइसिंग क्या रहनी चाहिए। और मुझे एक बात और बताना कि मुझे टेक्न्यूज स्टार्ट करनी चाहिए डेली की। ठीक है, मैं इसके तब तक स्पेसिफिकेशंस तुम्हें बता देता हूँ। देखो, अभी यहाँ पर ट्विटर पर से जो हमारे टिप्स्टर हैं योगेश बरार, उन्होंने बताया कि देखो, नथिंग फोन 2 जो है वो 6.7 इंच की OLED स्क्रीन के साथ आने वाला है। प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्मार्टफोन की, क्योंकि ये जान डालता है उसके अंदर। मीटेक डेमेंसिटी 7200 अल्ट्रा SoC इसके अंदर दे रखा है इन लोगों ने। काफी एफिशियंट कोर के साथ आने वाला ये जो प्रोसेसर है, एक साथ कई सारे एप्स को आप जो है यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मीडियम और थोड़ी बहुत अगर गेमिंग करते हो, आप प्रो गेमिंग करते हो, तो उसके लिए भी एक अच्छा चिपसेट रहने वाला है। कैमरा की तरफ देखे जाए तो कैमरा हर स्मार्टफोन में उसकी आंख की तरह होते हैं मेन में। तो देखो, फोन 2A में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 50 का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। अगर फ्रंट में देखोगे तो 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा ये लोगों ने आपको दे रखा है। एंड्रॉइड 14 पर आएगा और इसी पर बेस्ड OS 2.5 काम करेगा नथिंग का। अब 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करने वाला है और इसके अंदर ही ब्रांड का यूनिक ग्लिफ इंटरफेस